बीटीए फाउंडेशन राष्ट्रीय संस्था ने परिधि गृह में उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें रश्मि चंदेल न्यायाधीश झारखंड न्यायिक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। बीटीए फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा सांख्यान ने रश्मि चंदेल को टोपी शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बीटीआर फाउंडेशन राष्ट्रीय संस्था ने परिधि गृह में उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें रश्मि चंदेल न्यायाधीश झारखंड न्यायिक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रही। बीटीआर फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्या ने रश्मि चंदेल को टोपी शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बीटीआर फाउंडेशन की अध्यक्ष सीमा संख्या ने संबोधित करते हुए कहा कि आजकल बेटियां किसी भी जगह पीछे नहीं है, बेटियां राज्य और देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। रश्मि चंदेल का उदाहरण देते हुए बताया कि छोटी सी उम्र में अपना नाम रोशन किया तथा उसके साथ बिलासपुर का नाम भी रोशन किया, जो बिलासपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। उनके सम्मान समारोह में बिलासपुर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। वहीं रश्मि चंदेल ने बिलासपुर आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे बीटीआर फाउंडेशन संस्था ने जो सम्मान प्रदान किया उसके लिए सभी संस्थाओं का धन्यवाद करती हूँ। बीटीआर फाउंडेशन संस्था जो बेटियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है उसके लिए बधाई की पात्र है। रश्मि चंदेल ने सबको बताया कि बेटियों के आगे बढ़ने में माँ बाप का विशेष योगदान रहता है, मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। उन्होंने बताया कि हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि आज की पीढ़ी नशे की लत से दूर रहे, क्योंकि आज की पीढ़ी नशे की ओर ज्यादातर बढ़ रही है। और आज मेरा बिटिया फाउंडेशन पतंजलि संस्था, वाल्मीकि संस्था, नगर सुधार समिति संस्था, अर्धनारेश्वर संस्था, इन सभी संस्थाओं ने आज मेरा सम्मान कार्यक्रम रखा था। ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान और गर्व की बात है कि सब ने मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया और मेरे इस बड़ी कामयाबी में मेरे खुशी में शामिल हुए। मैं इन सब संस्थाओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, मैं बिटिया संस्था का खासतौर पर इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वो पूरी तरह से सारी ही संस्थाएं महिलाओं और सभी वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बिटिया संस्था पूरी तरह से ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन जो किसी न किसी अत्याचार और किसी न किसी तरीके से ग्रसित होती है, उन सबके लिए बहुत एक बहुत बड़ा काम कर रही है। उनके लिए उनको किस तरह से अपनी परेशानियों से निकाल के उबार के उनको अपनी जिंदगी में सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं विद्या संस्था को बहुत बहुत ही बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिलासपुर वासियों का, खासतौर पर हिमाचल वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे खुशी में शामिल और मेरा इतना सम्मान और इतना प्यार दिया आप सबने मुझे। थैंक यू सो मच। हमारी बिलासपुर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारी बिलासपुर की बेटी ने इतना नाम रोशन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम एक कार्यक्रम करेंगे यहाँ पे, वो सारी संस्थाएं करेंगे, बहुत बड़ा होगा। हम क्योंकि 8 मार्च का जो प्रोग्राम है।